सुपर्ब, वी आर सो लकी कि हमारे साथ इतने टैलेंटेड म्यूजिशियंस आज यहाँ उपस्थित है. नैनों में बदरा छाए, नैनों को बदरा के साथ कंपेयर किया गया है, बादल के साथ कंपेयर किया गया. वैसे हर बार मुझे लगता है कि अगर हकीकत में देखो तो नैनों से आंसू गिरते हैं, बरसते नहीं. अगर गिनने जाओ तो 2, 4 या 5 आंसू होते हैं. डेली सोप का सीन हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 आंसू गिर जाएंगे. लेकिन हम हमेशा बात इस तरह से करते हैं जैसे 2-2.5 इंच बारिश वहाँ से बरसने वाली हो. लेकिन अतिरेक कविता का अलंकार है. बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के बाद ही कविता को सजाया जाता है. शायद इसीलिए नैनों का सबसे करीबी रिश्ता बरसात के साथ सारे शायर जोड़ते हैं. देखिए यहाँ पे भी अमूमन ऐसे ही बिना कोई प्लानिंग के नैनों का गाना सुना तो उसके बाद जो गाना आने वाला है वो फिल्म बरसात से आ रहा है. चलिए बरसात का ये गाना सुनते हैं. शंकर जयकिशन का संगीत तो है लेकिन शैलेंद्र या हसरत जी के शब्द यहाँ पर नहीं है. रमेश शास्त्री जी ने इस गीत को लिखा है. शुरुआती दौर का गाना है इसलिए आइए सुनते हैं. कॉन्सर्ट्स में हालांकि कम गाया जाता है लेकिन आज अनल से सुनेंगे. हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी. इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी. नॉटी सा और